नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं लेकर ग्लास से होता है किचन में जो लेकर ग्लास लगता है उसकी कुछ डिटेलिंग लाया हूँ। एक्चुअली मैं सेटअप नहीं कर पाया था किस तरह से सेटअप करना है, तो ये है। देखिए ये जो आपको ये भी लेकर ग्लास लगा हुआ है, ये जो पल्ले पे भी लेकर ग्लास है टोटल, और ये जो पल्ला है इस पर भी लेकर ग्लास लगा हुआ है। तो किचन में जो लेकर लगता है वो कुछ इस तरह से लगाया जाता है। देखिए बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर ये लेकर को चिपकाया जाता है, लेकर की फिनिश दी जाती है। लेकर ग्लास सीधा इस पे पेस्ट हो जाता है, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ कैसे लेकर पेस्ट होता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और ये देखिए इसको जब बनाते हैं तो सिंपली उसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है जैसे बनती है, बस इसके ऊपर अलग से ला के लेकर को पेस्ट कर दिया जाता है। और इसमें कोई विशेष टेक्निक नहीं है जिसकी डिटेल मैं आप लोगों को दे चुका हूँ कि कैसे कैसे लेकर पेस्ट करना है। और कुछ वीडियोज़ में ये देखिए आप लोगों को और दिखा देता हूँ, ये भी लेकर पेस्ट किया हुआ है, ये सारा लेकर पेस्ट हुआ है, टोटल इसमें लेकर पेस्ट हुआ है ये। तो दोस्तों ये है जो अभी मैं ये दिखा रहा हूँ, ये चिमनी है। आप चाहें तो एज़ पर डिज़ाइन चिमनी पे भी लेकर लगा सकते हैं, क्योंकि अलग से चिमनी पे वो ना दिखे कि ये चिमनी डिफरेंट हो गई है, साइड वाले जो वार्डरोब इनके इससे मैच नहीं कर रही है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि चिमनी पे भी लेकर पेस्ट करवा सकते हैं। और ये इस तरह की आजकल चिमनियाँ भी अवेलेबल हो रही हैं जिन पर लेकर ग्लास लगा हुआ होता है। तो ये चिमनी शो हो रही थी, ये देखिए अलग अलग डिज़ाइन है, ये सारे डिज़ाइन पे सिर्फ ये लेकर पेस्ट हुआ है ऊपर, इस पर कोई अलग वो नहीं है, टेक्निक नहीं है, साथ पे लेकर पेस्ट हुआ है। ये देखिए ऊपर हल्की सी परत नज़र आ रही है, जो ये लेकर पेस्ट होने की नज़र आ रही है, अलग से लेकर लगा हुआ है इसमें, तो ये लेकर शो हो रहा है हर जगह। देखिए आप ध्यान से देखिएगा इन सब चीज़ों को। ये सारा लेकर पेस्ट हो रखा है, ये देखिए। और तो ये सारा लेकर पेस्ट होता है। और ये हमारा ये माइका, ये टोटल माइका लगा हुआ है। तो इस तरह से कुछ और मैं आप लोगों को डिज़ाइन बताता, मगर आप लोग पहले लेकर देख लीजिएगा किस तरह से लेकर, ये वाइट लेकर है। लेकर की जो मैंने बताई थी क्वालिटी क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरह कलर आता है, मगर मैं बताना चाह रहा था कि लेकर पेस्ट मतलब लेकर यूज़ कैसे होता है। तो किचन में इस तरह से होता है, और आगे मैं अलमारियाँ कुछ बता दूँ। दोस्तों जो ये है, अब ये अलमारी है, इसके ऊपर हमने मिरर पेस्ट किया हुआ है। मिरर ग्लास जो होता है, जो नॉर्मली लुकिंग ग्लास होता है, वो पेस्ट किया हुआ है। मतलब मिरर और आपके लेकर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं हुआ है। मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि लेकर और मिरर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, दोनों सेम ग्लास होते हैं और दोनों ही कच्चे ग्लास होते हैं, सिर्फ जो इनके पीछे कोटिंग की होती है वही डिफरेंट होती है। अब ये येलो लेकर है, ये पूरा येलो लेकर हुआ है, पेस्ट हुआ हुआ है ये अलग अलमारी पर ये। और देखिए इसकी फिनिश और इसकी लुकिंग लुक जो आती है बहुत प्यारी आती है, येलो का कोई मैच नहीं है, येलो बहुत प्यारा आता है, नज़र आता है। देखिए कितनी सुंदरता इसमें आ रही है, टोटल येलो लेकर है। और ये भी जब हम पूरी फिनिश कर लेते हैं उसके बाद ये लेकर को लाके पेस्ट करते हैं, नीचे बिनियर नज़र आ रहा है और ऊपर लेकर, लेकर और बिनियर का कॉम्बिनेशन है ये, देख लीजिए आप, बहुत सुंदर नज़र आ रहा है ये। अब ये देखिए ये लेकर और मिरर, जो मैंने इसलिए इस पोजीशन को इसलिए लाया हूँ क्योंकि आप लोगों को अंतर पता चल जाए कि लेकर और मिरर कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। लेकर और मिरर देखिए, ये लेकर और मिरर का कॉम्बिनेशन हुआ है, और ये बीच में मिरर आ रहा है और उसके साथ ही लेकर, तो ये दोनों जब पीछे कोटिंग होती है तो हम लोग ये दोनों कोटिंग कर सकते हैं इक्वल। तो इसमें लेकर और मिरर में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ जो पीछे कोटिंग हुई है वही अंतर है, सिर्फ मैं आप लोगों को यही दिखाना चाह रहा था।